ओके सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस ये किए थे कि मतलब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। हिंदी इज कंफर्टेबल राइट? हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस किए थे कि थोड़ा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे कि इरिगेशन हिस्ट्री मतलब छोला किंग के बारे में डिस्कस किए थे, वो क्या किए थे उनके दौरान। और हम ये डिस्कस किए थे कि और क्या डिस्कस किए थे, आप बताएगा कोई और क्या डिस्कस किए थे हम? थोड़ा डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किए थे, इरिगेशन क्या होता है, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि ड्रेनेज के बारे में डिस्कस किए थे। और किसको पता है कुछ डिस्कस किए थे या भूल गए सब? बजट या वी हैव डिस्कस्ड द वाटर बजट एट द लास्ट स्लाइड्स। ओके सो दैट वाज आवर लास्ट क्लास समरी, क्विक समरी। ओके सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ओके मतलब एक पानी है और एक मिट्टी है, उनके बीच जो रिलेशनशिप है। ओके एंड आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास दैट हमारा जो मिट्टी है वो एक फीमेल है। यहाँ पे हमारा मूवी में एक फीमेल कैरेक्टर है और जो पानी है वो एक मेल कैरेक्टर है। ओके तो उसको हम अभी समझेंगे। अंडरस्टूड? तो मैं थोड़ा पिन कर देता हूँ उसको। सो हमारा जो फीमेल कैरेक्टर है मिट्टी को, ओके तो उसके साथ जो पानी का जो रिलेशनशिप है, ओके और जो भी प्रिंसिपल से या कैरेक्टराइजेशन है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे कि पानी के साथ प्लांट का जो रिलेशनशिप क्या है। तो ये दोनों अगर आप क्लियर कर दें तो वाटर मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है तो लेट्स शुरू करते हैं कि लास्ट क्लास का कुछ पार्ट था जो कि हम मतलब फिनिश नहीं कर पाए थे क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास था। ओके तो उसको हम अभी क्विकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कोई कोई पाए जाते हैं। ओके जैसे कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया। तो उसको हम कैसे क्लासिफाई किए? सीसीए मतलब क्या है कोई बताएगा? कल्चरल कमांड एरिया। इसके हिसाब से हम इसको डिवाइड किए। एक मिनट, तो उसको हम मतलब कल्चरल कमांड एरिया के हिसाब से इसको हम डिवाइड किए हैं। तो व्हाट इज कल्चरल कमांड एरिया? तो उसको समझने के लिए हम पहले बता देते कि एक टर्मिनोलॉजी, पहले ग्रॉस कमांड एरिया होता है। क्या हो रहा होता है? ग्रॉस कमांड एरिया। तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? एक एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एरिया। यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आउटर लाइन ऑफ दिस इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रॉस कॉमन एरिया। अंडरस्टूड? इन दिस एरिया अगर कुछ पोर्शन जहां पे एक्चुअली कल्टीवेटेड हो रहा है, जहां पे एक्चुअली कल्टीवेट हो रहा है मतलब वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग, और एक है जो वहां पे खेती बाड़ी नहीं कर रहे, वो नॉन कल्चरेबल एरिया में आ जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ग्रॉस कॉमन एरिया बनता है। अंडरस्टूड? जो कल्टीवेटेड एरिया होते हैं इसको हम फोकस करते हैं ज्यादा, और इससे भी मोर फोकस करते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया या नेट कल्चरेबल कॉमन एरिया। तो हम जो मेजर मीडियम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्लासिफाई किए हैं हम किसको आधार करके बनाए? कल्टीवेटेड मतलब कल्चरेबल कॉमन एरिया को आधार करके इसको हम बनाए। तो अगर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो मोर देन 10,000 हेक्टर को हम बोलते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 2000 to 10,000 हुआ तो उसको हम बोलते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, एंड लेस देन 2000 हुआ तो उसको हम बोलते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। सो लेट्स मूव। देन देयर आर सम वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर।
आपको कौन सा वाटर पता है? ये नहीं बताना कि एक्वाफिना, बेली, ये सब नहीं बताना। एनीथिंग एल्स यू नो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर? किसी को पता नहीं? ओके, हम बता देते हैं। ओके, देयर आर 6 to 7 क्लासेस ऑफ वाटर आर देयर, एंड दीज आर फ्रीक्वेंटली कमिंग इन एग्जाम नाउ। ओके, लास्ट टाइम व्हेन आई हैव गिवन द एसआरएफ एग्जाम, सो आई गॉट द क्वेश्चन फ्रॉम ग्रीन वाटर। ओके, सो वेर विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर दोस टाइप्स ऑफ वाटर। द फर्स्ट इज ब्लू वाटर। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर इकोसिस्टम। ओके, दिस इज सॉइल। बारिश होता है मानसून के टाइम। ओके, तो बारिश जब मिट्टी के अंदर जाता है और स्टोर होकर रहता है, ओके, एंड दैट वाटर विल बी यूटिलाइज बाय द प्लांट एंड इट विल बी स्टोर एज ए सॉइल मॉइस्चर। दैट वाटर विल कॉल इट इज ए ग्रीन वाटर। एंड द रन ऑफ वाटर विच विल बी स्टोर एज ए पॉन्ड्स, रिजर्वर, सी, दैट वाटर वी विल कॉल इट इज ए ब्लू वाटर। एंड द वाटर विच विल बी परकोलेट बिलो द ग्राउंड एंड इट विल स्टोर एज ए ग्राउंड वाटर। मतलब जमीन के नीचे जो रहता है, और जो आप जब मतलब या कुएं खोल दिए या आपको अगर पाइप खोल दिए, तो पानी जब आता है वो कहाँ से आता है? वो ग्राउंड वाटर से आता है। मतलब वाटर जाके वहां पे स्टोर होकर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल वाटर। फॉसिल मतलब जनरल मीनिंग क्या है फॉसिल का? कोई बताएगा फॉसिल का जनरल मीनिंग क्या है? अगर कोई चीज बहुत ही पुराना मिट्टी में रह जाता है उसको हम बोलते हैं फॉसिल। ओके, तो ये जो पानी जो कि बहुत दिन तक रहता है रिजर्व होके, उसको हम बोलते हैं फॉसिल वाटर। अंडरस्टूड? देन ग्रे वाटर क्या होता है कि आप जब मतलब नहाते हैं, ओके, वो जो पानी जा रहे हैं, अगर आप वॉश करें वो भी पानी निकलता है, तो इन सारे वाटर को हम यूज कर सकते हैं विथ सम ट्रीटमेंट और एनीथिंग। वी कैन यूज दैट सोर्स इन इन लॉन्स और किचन गार्डन्स, वी कैन यूज दैट वाटर। सो दैट वाटर इज कॉल्ड एज ग्रे वाटर। अंडरस्टूड एवरीवन? और जो वाटर जो हमारा जो सीवेज से हो गया या स्लस से जो वाटर आ रहे, मतलब इंडस्ट्री से वाटर जो आ रहे, उसका हम बोलते हैं ब्लैक वाटर, जिसमें कि हैवी मेटल पाए जाते हैं। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। एंड इफ वी विल करेक्ट दैट, इफ विल ट्रीट दैट वाटर बाय रिमूविंग दैट हैवी मेटल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, देन वी कैन यूज दैट ड्रिंकिंग एंड फॉर द ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द मुंबई, ओके, और इन एनी मेट्रोपोलिटन सिटीज, दे आर डूइंग द सेम। दे आर कलेक्टिंग द सीवेज वाटर एंड दे आर ट्रीटिंग दैट वाटर, अगेन दे आर रीसप्लाइंग दैट वाटर एज ए ड्रिंकिंग एंड फॉर कुकिंग, फॉर इरिगेशन पर्पस। हैव यू सीन दिस सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट? इन आवर कॉलेज इट वॉज देयर, 2 to 3 tank वॉज देयर सीवेज ट्रीटमेंट वाटर। सो ऑल द एफ्लुएंट्स विल बी गो टू दैट सीवेज टैंक, देन इट विल बी ट्रीट, अगेन दैट वाटर विल बी रिसप्लाई टू द ऑल द हॉस्टल्स, बिकॉज इन आवर कॉलेज देर वॉज अ वाटर डिफिसिट। ठीक है, देन वॉट इज वर्चुअल वाटर? सी वी आर टॉकिंग इन अ वर्चुअल मैनर, येस और नो? आई एम सिटिंग हेयर, यू आर सिटिंग समवेयर एल्स इन द इंडिया एंड वी आर टॉकिंग इन अ वर्चुअल मैनर। ओके, आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन योर क्लास, आई एम इन वर्चुअली प्रेजेंट। ओके, तो ऐसे करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में मोनिका है, हमारा भवानी है, स्मृति है, जो कि डिफरेंट प्लेसेस है। अगर देखा जाए तो मोनिका के जगह में कुछ होता है, मतलब मस्टर्ड बहुत ज्यादा होता है वहां पे मोनिका? यस सर। ओके, तो हमारे यहाँ पे नहीं होता है उड़ीसा में ज्यादा से ज्यादा मस्टर्ड। तो मस्टर्ड के लिए भी कुछ पानी यूज होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल 500 to 500 ml वाटर यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मस्टर्ड को ग्रो करूँ तो आई हैव टू यूज दैट 400 to 500 ml वाटर, यस और नो? कोई तो बता दो, यस और नो? ओके, लिव इट। तो अगर उस पानी को अगर मैं सेव करना चाहूँ, क्योंकि वाटर इज ए वेरी डिफिसिट नाउ, स्कार्सिटी देयर, सो अगर मैं उस पानी को सेव करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मोनिका के जगह से मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ वो मस्टर्ड को, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग
here in this place and wasting the water. So if I'll import that water, so with that product, that water will also come in a virtual manner. Means water will not come, okay, and we will not see, but whatever the amount of water has been utilized to grow that amount of production of mustard, that will come to this place, and I will not grow mustard here. So I will save that much amount of water in this place. So that is called as virtual water. Everyone understood this? Everyone? Yes, sir. Got it? There are six types of water. Mainly, they used to ask this question, six type of water in the exam. Agar yes, inme se agar koi bhi aapke exam aaye, you can attend this? Yes or no? Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं. अच्छा लगा सुन के. तो अभी हम डिस्कस करने वाले सॉइल वाटर रिलेशनशिप. ओके तो उससे पहले हमको थोड़ा सॉइल के बारे में जानना चाहिए. ओके तो सॉइल का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल अच्छा है या बुरा है. ओके क्योंकि जब एक लड़की रिलेशनशिप में आता है ना, तो वो बहुत कुछ देखता है लड़का में, ये ना वो अच्छा है या बुरा है. तो हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी. ओके क्विकली डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. तो देखिए ये अगर मैं एक वर्चुअल मतलब डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पे. ओके तो जो मिट्टी है वहां पे थ्री पार्ट्स मेनली पाया जाता है. ओके एक होता है कि एयर के लिए होता है, और एक वाटर के लिए होता है, और एक सॉलिड पार्ट होता है, मतलब मिनरल, जो कि हमारा मैक्सिमम होता है 45% पाया जाता है. ये सुनो, वाटर जो है वो 25% होता है, और एयर जो है वो भी 25% होता है. 5% क्या होता है, कोई कौन बताएगा? 5% ऑर्गेनिक मैटर. वेरी गुड, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है. ठीक है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे मास बेसिस एंड वॉल्यूम बेसिस, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में आ जाएगा. अगर एयर का टेकन कर तो वी ए, वाटर का किए तो वी डब्ल्यू, सॉलिड का है तो वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. वैसे ही मास रिलेशनशिप में देखा जाए तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ सॉलिड. ओके तो यहाँ पे अगर हम टोटल कर देंगे तो उसको हो गया वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये टोटल मास. ओनली पोर्स मतलब वी ए एंड वी डब्ल्यू अगर देखा जाए तो उसको हम बोलेंगे वी एफ. इतना समझ में आ गया आप सबको? सिंबल्स याद रह जाएगा. अभी यू कैन सी दिस पिक्चर, सिंबल्स वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं. ओके तो व्हाट इज पार्टिकल डेंसिटी, कौन बताएगा हमें व्हाट इज पार्टिकल डेंसिटी? एनीवन, व्हाट इज पार्टिकल डेंसिटी? पार्टिकल डेंसिटी दो वर्ड है. वन इज पार्टिकल, जो कि कुछ पार्टिकल को मेंशन करे, दैट इज सॉलिड पार्टिकल. डेंसिटी मतलब क्या है? वॉल्यूम बेसिस. तो अगर इसको हम किसी वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका हम डेंसिटी निकाल सकते हैं. पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल मतलब मास ऑफ सॉलिड. कैन सी मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अंडरस्टूड? मास ऑफ सॉलिड टू दैट मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज पार्टिकल डेंसिटी. एंड ये सॉल में जनरली कितना होता है ये तो बता दो, जनरली कितना पाया जाता है? व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इन द सॉइल? 2.65. वेरी गुड, 2.65. ओके ये 2.70 भी होता है. अगर इफ विल एड ऑर्गेनिक मैटर इन दिस, देन व्हाट विल हैपन टू द पार्टिकल डेंसिटी, कौन बताएगा? इट विल बी डिक्रीज, सो इट मे गो अप टू 1.33 आल्सो. ओके अगर तुम्हें पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर पूछा जाए तो 1.33 आंसर होगा. अंडरस्टूड? देन हमारा क्या आता है, दो टर्म आते हैं अंडर बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी क्या होता है, कोई कौन बताएगा? कौन बताएगा? या मतलब मास डिवाइड बाई जो टोटल पोर होता है मिट्टी का, उसको भी हम ले लेते हैं. मतलब ओनली टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में हम लिमिट नहीं रहते,
टोटल पोर को हम लेते हैं वहां पे। तो अगर देखा जाए तो वहां पे दो टर्म होते हैं, वन इज ड्राई बल्क डेंसिटी एक होता है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम वहां पे करते हैं। वेट बल्क डेंसिटी में मास ऑफ मतलब टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हम करते हैं, अंडरस्टूड। और यहाँ पे वेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी इंक्लूडेड है, अंडरस्टूड, समझा। ड्राई बल्क डेंसिटी में वाटर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओनली मास ऑफ सॉलिड डिवाइड किया है हमने। वेट बल्क डेंसिटी में टोटल वॉल्यूम लिए, मतलब टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम किए हैं, उसका हम बोलते हैं वेट बल्क डेंसिटी, जिसमें वाटर भी इंक्लूडेड, मतलब मास ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अंडरस्टूड, समझा कि नहीं। अगर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मिट्टी में पानी नहीं है, वाटर नहीं है, देन व्हाट इज द पोर वॉल्यूम, कौन बताएगा, व्हाट इज द पोर वॉल्यूम, टोटल पोर वॉल्यूम, मिट्टी में पानी नहीं है, पानी कुछ भी नहीं है, 0% है, तो वॉल्यूम कितना हुआ, पोर वॉल्यूम कितना हुआ, कौन बताएगा, कंफ्यूज्ड। पोर वॉल्यूम तो 50% ही रहेगा ना, यस और नो, पोर वॉल्यूम 50% रहेगा। यहाँ पे अगर वाटर नहीं है तो 50% जो कवर किसके द्वारा हो जाएगा, एयर का द्वारा हो जाएगा, यस और नो। अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया तो 50% पानी का हो जाएगा, अंडरस्टूड, हाँ या ना बोल दो, यस सर, ओके, समझ में आ रहा है सबको, जी जी जी। देन हम देखते हैं पोरोसिटी, मतलब पोर वॉल्यूम कितने पाए जाते हैं। तो दरअसल मिट्टी में जो क्या होता है कि 30-60% पोर वो पाया जाता है, ओके, सो 0.3-0.6 भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जो पोर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज माइक्रोपोर, वन मोर इज मैक्रोपोर, यस और नो। तो इसको हम क्लासिफाई कैसे किए, माइक्रोपोर का साइज कितना है, लेस देन 0.06 mm का होता है, एंड मैक्रोपोर में क्या पाया जाता है, मोर देन 0.06 mm का पाया जाता है, ठीक है, हो गया। तो अगर पोरोसिटी देखे तो पोरोसिटी मतलब क्या है, ये है वी एफ है, अगर वी एफ को अगर मैं टोटल वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे पोरोसिटी मिल जाएगा, वेरी इजी, यस और नो। अगर ये टोटल पोर वॉल्यूम को अगर हम सॉरी टोटल पोर स्पेस जो है जो कि एयर एंड वाटर का है, अगर मैं टोटल वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा पोरोसिटी। अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो उसका फॉर्मूला निकलता है 1-BD मतलब बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई PD पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। तो अगर आपको पोरोसिटी का क्वेश्चन आए तो आपको दो वैल्यू दिया जाएंगे, वन इज पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी का वैल्यू होगा, उसको आप कैलकुलेट करना है। और जो बल्क डेंसिटी होता है वो सॉइल का कितना होता है, बल्क डेंसिटी कौन बताएगा, जनरल वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी इन द सॉइल, कौन बताएगा, हम लिख रहे हैं, बताइए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1.33 होता है, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी अच्छा या बुरा है हमारे मूवी में, अभी बुरा कैरेक्टर है या अच्छा कैरेक्टर है, बताए कोई, सर बुरा है, बुरा है। अगर बल्क डेंसिटी अगर इंक्रीज होता है तो वो बुरा है, इसलिए हमारा मतलब एक एग्रोनॉमिस्ट का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि बल्क डेंसिटी है वो डिक्रीज करना पड़ेगा किसी तरह। अगर आप मतलब ग्रीन मेन्यू डाल दो या कोई फार्मर मेन्यू डाल दो ताकि बल्क डेंसिटी वो डिक्रीज होगा, क्योंकि दिस इज ए बैड कैरेक्टर इन आवर मूवी, ठीक है, बैड कैरेक्टर को हटाना पड़ेगा। देन आते हैं कुछ जनरल टर्म्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम वेटनेस, वॉल्यूम वेटनेस। तो जब वेटनेस की बात आता है तो वाटर दिमाग में आएगा, वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम,
अगर हम करें तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वेटनेस, मतलब सॉइल में वेटनेस कितना है, ठीक है। उसी तरह डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल पोर वॉल्यूम, अगर हम करें तो उसका हम बोलेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, क्योंकि पानी जो है वो सॉलिड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये सर नो, पानी जो है वो सॉलिड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो हम सिर्फ वाटर वाटर एंड टोटल पोर वॉल्यूम में ही हमको उसको रिप्लेस कर पाएंगे, मतलब 100% अगर सेचुरेटेड सॉइल है तो क्या है 50% जो पोर वॉल्यूम था वो पूरा का पूरा पानी में भरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये वाला क्वेश्चन मतलब SRF में पूछा गया था, अगर आप SRF अगर दे रहे तो आगे तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, मतलब वॉल्यूम वेटनेस एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन में थोड़ा सा फर्क है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम किया गया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल पोर स्पेस किया है 50% जो पोर स्पेस है, तो यही स्लाइट डिफरेंस ना आपको समझना है, अगर नहीं समझे एग्जाम में गलत हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझा कि नहीं समझा? ओके, देन आते हैं मास वेटनेस। मास वेटनेस मतलब टोटल मास, हमारा जो मास ऑफ जो सॉलिड है, सॉरी मास ऑफ वाटर जो है MW डिवाइडेड बाई MS, MS मतलब क्या है मास ऑफ सॉलिड, इसको अगर इसको हम डिवाइड किए तो हम क्या मिलते हैं मास ऑफ वेटनेस। अगर देखा जाए तो वॉल्यूम वेटनेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास वेटनेस से, मतलब मास वेटनेस इनटू अगर तुम वर्क डेंसिटी अगर डिवाइड करते हो मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम वेटनेस मिल जाएगा। ओके, कोई कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्लीज कैलकुलेट द वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन दिस, तो अगर आपको BD दिया है और मतलब वॉल्यूम ऑफ वेटनेस दिया है तो आप अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम वेटनेस मिल जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, एनी डाउट इन दिस पिक्चर और इन दिस स्लाइड? ओके, मतलब आई एम ए गुड टीचर, आई एम गोइंग वेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, देन वी डिस्कस करते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वाटर। ओके, हम वहां पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पढ़े। ओके, अभी हम पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ वाटर। ओके, सो देयर आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ वाटर, वन इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड केमिकली कंबाइंड वाटर। ओके, तो अगर देखा जाए तो इसको हम वन सेकेंड, ओके, सो वी कैन डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ वाटर। वन इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केपलर वाटर एंड केमिकली कंबाइंड वाटर। ठीक है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, ओके लिटिल डिस्टर्बेंस, ओके बिकॉज इफ यू आर इन ए बॉयज हॉस्टल देन यू कैन अंडरस्टैंड द इंटरप्शन। ओके, सो 4 तरह का वाटर होता है, वन इज छोड़ो, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा, ओके फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉइल का रेफरेंस पॉइंट है। ओके, और सॉइल जो क्या है हमारे कैरेक्टर में फीमेल कैरेक्टर है। ओके, एंड पानी जो है वाटर जो है वो हमारा क्या होता है कि मेल कैरेक्टर है। ओके, अगर एक फीमेल का अगर
फर्स्ट लव अगर देखा जाए तो अगर हम डिस्कस करेंगे अगर फीमेल का फर्स्ट लव पहला प्यार जो होता है वो बहुत ही खास होता है सबके लिए, मेल का हो गया या फीमेल का हो गया, वो बहुत ही खास होता है। ओके तो जब एक फीमेल व्हेन इट विल फॉल इन लव विद द फर्स्ट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके सो इट विल अगर मेल वाटर अगर फीमेल सॉइल के साथ जुड़ना चाहे तो इट विल रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके तो जब इस सारे एफर्ट के साथ और सारे एनर्जी के साथ अगर एक पानी मिट्टी के साथ जुड़ना चाहे देन इट रिक्वायर्स ए हाई एनर्जी। क्या चाहिए? हाई एनर्जी। तो विथ ए लॉट ऑफ हाई एनर्जी एंड हाई एफर्ट्स सो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर विल बी एडजॉर्ब टू द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल। समझ में आया ये? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो आर यू देयर? हेलो सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक। देखिए हमारा एक जो मिट्टी होता है फॉर एग्जांपल ये मिट्टी ओके सॉइल जो कि एक फीमेल है ये समझो इस तरह का समझ लेते हैं एक फीमेल है। जब एक फीमेल का जब ये पहला प्यार होता है ना वो बहुत ही खास होता है। ओके पहला प्यार जो सबके लिए खास होता है मेल के लिए भी खास होता है। ओके तो पहला प्यार जब होता है ना बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं बहुत एनर्जी लगते हैं बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है क्योंकि वो जो सारा का चीज होता है ना बहुत ही क्रेजी फील होता है। ठीक है तो अगर उस तरह का देखा जाए तो जब एक फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर क्रिएट होगा जो कि हमारा मूवी में एक मेल कैरेक्टर है तो जब एक मेल वाटर विल बी कनेक्टेड टू द फीमेल सॉइल देन इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। यस और नो? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेयर फर्स्ट लव। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा? यस सर यस। ओके तब फॉर एग्जांपल इसके साथ मतलब क्या हो गया कि कनेक्शन इतना जुड़ नहीं पाया फिर एक और मेल वाटर आया जुड़ने के लिए। ओके फिर एक बार और एक आया। ओके तो ऐसे जुड़ते ये जो फीमेल है जो है ना फीमेल मिट्टी लास्ट जब बंदा आया ना उतना कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। वो कनेक्टेड रहेगा मतलब शादी करेगा पर उतना कनेक्टेड नहीं हो पाएगा क्योंकि इन बीचों बीच ना उसका जो ट्रस्ट है जो मतलब टाइम है वो जो मेच्योरिटी लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओके एज बढ़ता है तो मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है तो उतना कनेक्टेड वो नहीं हो पाएगा। ठीक है तो एक दिन ना क्या हो जाएगा मिट्टी जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा मतलब वो बोल जाएगा बस इतने ही हमारे लिए। ओके सैचुरेटेड हो गए हम। ओके तो क्या होगा इसमें एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब मनुष्य का एक पॉइंट आता है एक क्लाइमेटाइजिंग पॉइंट। ओके अगर उसको आप बताएंगे कि खाना खा देन वो बोलेगा चल आजा चल मतलब नो इमोशन इन द फेस ओनली द रेस्पॉन्स। ओके उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तब जाके मतलब कोई आशा नहीं कोई भरोसा नहीं कुछ भी नहीं ओनली रेस्पॉन्स। ओके मैच्योरिटी वाला रेस्पॉन्स तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तब एनर्जी क्या होता है? जीरो की। आप ड्रैग करने के लिए वो आ जाएगा ऐसे ही। ओके तो सॉल जब सैचुरेट है एनर्जी क्या होता है कि जीरो होता है। उसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये जब सॉइल सैचुरेट होता है एनर्जी लेवल जीरो होता है। जब हम इस पानी को निकालते चलेंगे मतलब ऑपोजिट डिरेक्शन में चलेंगे निकालते चलेंगे और मिट्टी के ओर जाएंगे अगर पास्ट में जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? एनर्जी बढ़ते हुए नजर आएगा। ये सर नो? अंडरस्टूड और नो? एनर्जी बढ़ते बढ़ते घटा है अगर पीछे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते घटते हुए नजर आएगा। ये सर नो? जी सर। ओके समझे? तो ये जो वाटर है ये सारा फ्री वाटर है। ओके इसके साथ मिट्टी से इतना जुड़ता नहीं है मतलब इतना बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा? ये जो ना फ्री है
तो ये आसानी से निकल जा सकता है मिट्टी से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। ड्यू टू ग्रेविटी इट विल बी रिमूव फ्रीली, ओके, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके। उसके बाद कुछ मिट्टी जो है, कुछ जो वाटर जो है वो रह जाएंगे, ओके, वो कुछ रह जाएंगे मिट्टी के, मतलब वो सोचेंगे कि ठीक है, मतलब उसका पास थोड़ा बुरा है, फिर भी दे विल ट्राई, एटलीस्ट दे विल ट्राई, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल ट्राई टू स्टे, सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। तो स्लोली स्लोली कैपिलरी वाटर भी कितना ट्राई करेगा रहने के लिए, समझने के लिए, तो वो भी चला जाएगा, ओके, इट विल ऑल्सो गो। सो फाइनली दिस वाटर जो कि स्ट्रॉन्ग बोन था, उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि विद द हाई एनर्जी एंड हाई एफिशिएंट के साथ मिट्टी के साथ जुड़ा है, ओके, विद द फर्स्ट लव, ओके। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर में बहुत ही एनर्जी होता है, तो कितना होता है? -31 to -10,000 बार का होता है, या एटमोस्फेयर का होता है, ओके। कैपिलरी वाटर में एनर्जी कितना होता है? 0.1 to 0.332 15 बार का होता है, कितना होता है? 15 बार तक होता है। यहाँ पे एक बीच में, सॉरी, ये -31 तक होता है, ओके। यहाँ पे एक बीच में एक क्लासिफाई किया हम, 15 अगर क्लासिफाई करेंगे, ये जो है मतलब 0.1 to 0.332 15 तक है, वो कितना होता है? मतलब फास्ट कैपिलरी होता है, फास्ट कैपिलरी वाटर होता है। 15 to 31 जब पानी घटता हुआ नजर आएगा, तो क्या होगा? जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होगा, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लगिश कैपिलरी वाटर, जो कि ये इंक्लूड नहीं होता है, याद रखना, स्लगिश कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, अंडरस्टूड? यस सर। एवरीवन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्लगिश कैपिलरी वाटर इंक्लूड नहीं होता है अवेलेबल वाटर में, इसको आप याद रखना है। अवेलेबल वाटर में क्या होता है? ओनली फास्ट कैपिलरी वाटर, जो कि 0.32 to 15 तक उतना ही यूज होता है, अंडरस्टूड? स्लगिश कैपिलरी वाटर यूज नहीं होता है, समझ ले, अंडरस्टूड ना? ओके, गॉट दैट? और जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वहां पे एनर्जी तो जीरो ही होता है, तो 0 to 0.1 ऐसे पाया जाता है, अंडरस्टूड? तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर समझ लिया आप, कैपिलरी वाटर समझ लिया, ग्रेविटेशनल वाटर समझ लिए। एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी नाउ ओनली, एनी डाउट? कोई अनम्यूट कर लिया है क्या? हेलो, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। भवानी, राजेश, संजय, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़े हमें। यस सर। तो अभी हम समझ ले कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी, आप अगर कभी भूल, इफ यू फॉरगेट एनी टाइम टू दिस कॉन्सेप्ट, हमें तो लगता है कभी नहीं भूलेंगे, अभी भूलेंगे क्या आप? अभी कभी भूलेंगे ये कॉन्सेप्ट? अभी इजीली याद रह जाएगा हम आपको, विद द वैल्यू यू हैव टू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा, ओके। देन समझ लेते हैं कि केमिकली कंबाइंड वाटर क्या होता है, ओके? कोई जिप्सम का फॉर्मूला बताएगा? CuSO4.2H2O ये 2H2O क्या होता है? What is this 2H2O?
this is chemically combined with the calcium sulfate. Understood? Calcium sulfate में दो water molecule पाए जाते हैं जो कि chemical combined है, उसका हम बोलते हैं chemically combined water. Understood? Everyone? सबका समझ में आया? Yes, sir. Yes, okay. डिस्कस करते हैं सॉइल वाटर पोटेंशियल के बारे में. पोटेंशियल मतलब जनरली क्या होता है कि एनर्जी को वो डिफाइन करता है, एनर्जी. ओके, मतलब एक प्लेस में पानी है, ओके, प्योर वाटर है, मतलब बहुत शांत एकदम प्योर वाटर. वहां पे एनर्जी क्या है? एकदम जीरो, शांत. ओके, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं. इसको अगर हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट. क्या लेंगे इसको? रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, अगर इस प्योर वाटर में जो कि एक योगी है ऐसे बैठा है, आराम से बैठा है, ओके, अगर आप क्या करेंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे, ओके, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या यू विल गेट ए रिएक्शन, यू विल गेट ए रिएक्शन. ओके, कुछ चेंजेस आ जाएगा, मतलब वो गुस्सा भी हो सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और वो लिटरली इट विल बी डिस्टर्ब, लिटरली ही और शी विल बी डिस्टर्ब. यस और नो? तो इस रेफरेंस पॉइंट को अगर कुछ भी किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, किसी किसी भी कारण अगर कुछ मॉडिफाई किया जाए, तो जो सॉइल वाटर पोटेंशियल का जो है वो एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है. ओके, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना पाया जाता है? जीरो, बिकॉज देर इज नो चेंजेस, रेफरेंस पॉइंट, देर इज नो चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे, सॉल्ट आई विल एड सम सॉल्ट्स, देन व्हाट विल हैपन, वाटर पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कौन बताएगा? इंक्रीज होगा सर. इंक्रीज होगा. एनीवन एल्स? डिक्रीज. इट विल बी डिक्रीज. ओके, डिक्रीज क्यों होगा, कोई बताएगा व्हाई इट विल बी डिक्रीज? क्योंकि आजकल तो रीजनिंग एंड एसेशन का क्वेश्चन आता है, तो आपको तो सिंपल क्वेश्चन नहीं, मतलब नहीं आएगा एग्जाम में. दे विल आस्क द रीजन व्हाई डिक्रीज क्यों होगा. पता है किसी को? या आई विल से वाटर का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट डालेंगे तो वाटर का फ्लो का डिक्रीज हो जाएगा. पानी तो है ही है ना, वो कहाँ फ्लो करेगा, हम तो पानी में नमक डाल दें. अब देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप आपके घर में सिर्फ आप और मम्मी पापा है, ठीक है, और सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक दिन क्या हो गया, आपके घर में 5 या 10 गेस्ट आ जाएंगे. ओके, 5 या 10 गेस्ट आपके घर आ जाएंगे, तो क्या होगा, होगा क्या, आपका जो मम्मी का जो एनर्जी है ना वो बढ़ जाएगा. ओके, क्योंकि सबको जो मतलब करते करते बढ़ जाएगा, उसके बाद रात को जब जाएंगे ना वो एनर्जी लेवल पूरा जीरो हो जाएगा उनका, तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा. ओके, वो जो एक्टिव थे आप, जो 2-3 थे, वो जो फुल्ली एक्टिव थे, वो क्या हो जाएंगे, इन 5-10 को देते देते उनका जो एनर्जी लेवल ग्रेजुअली विल बी डिक्रीज. समझ में आया? यस सर. ओके, तो इस वाटर पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें किसी डेफिनेशन के द्वारा, तो क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, मतलब स्थानांतर करने के लिए, एन इनफिनिट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिफर, जो कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ रिफर, टू द पॉइंट ऑफ डिजायर, जहां पे हमको डिजायर है लेने के लिए, विथ आइसोथर्मली, आइसोथर्मल मतलब क्या, विथ सेम टेम्परेचर एंड इरिवर्सिबली, वापस नहीं आना है भैया. ओके, वापस नहीं आना है, उस आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, उसका हम बोलेंगे सॉइल वाटर पोटेंशियल. ये कि एनर्जी कॉन्सेप्ट है, याद रखना इसको, हम एनर्जी कॉन्सेप्ट
बोलते हैं। तो अगर सॉल्ट वाटर पोटेंशियल अगर कोई पूछे तो आपको साइन लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। सॉल्ट वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्ट टेंशन में ये डिफरेंस है कि जब सॉल्ट वाटर पोटेंशियल पूछा जाए यहाँ पे साइंस लगता है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया उसको आप साइन लगाना पड़ेगा। अगर सॉल्ट टेंशन पूछा जाए तो देर इज नो साइन। तो टेंशन क्या है, फैमिली टेंशन, एजुकेशन टेंशन, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ओके, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, ये टेंशन नहीं, नहीं ये टेंशन नहीं, हम सॉइल का टेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब मिट्टी का टेंशन। मिट्टी का जो है वो फीमेल एक है, ओके। तो फीमेल का टेंशन क्या होता है, वाटर के साथ जुड़ना, ठीक है, वाटर के साथ जुड़ना। सो द टेनासिटी विथ विच वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल ऑन नेगेटिव साइन, ठीक है। जो टेंशन होता है वो क्या होता है कि मतलब डिक्रीज होते होते जा रहे हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे मतलब मेरा जो सैलरी होता है, जब आता है मंथ का जो पहले जो आता है सैलरी, मेरा टेंशन लेवल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जब सैलरी घटते जा रहे तो सॉइल वाटर टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहे, ठीक है। अगर आपको वाटर पोटेंशियल पूछे तो आपको साइन लगाना है, नेगेटिव पॉजिटिव लगाना है, सॉइल टेंशन में आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम गलत लिख दिया शायद, ओके, काट देना आपको, ओके। तो वाटर पोटेंशियल समझा आपको एंड सॉइल टेंशन समझा आपको, यस और नो? यस सर। ओके, देन ये तो यूनिट पोटेंशियल है, देख लीजिए आप। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1036 cm, 76.39 मर्क्यूरी है। 1 एटमॉस्फेयर 1023 cm है, ये मतलब डेप्थ के वजह से मतलब है, ये 1 बार है, 1 बार इज इक्वल टू 1023 cm, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार, ये सब आपको याद रखना है यार, ओके। एंड जो यूनिट्स, ओके, वट आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल भी पूछा जाता है, सी एम, मर्करी, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, बार एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये देखिए, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, कितना हुआ, पास्कल में किया जाता है, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया या न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में किया जाता है, सी एम में किया जाता है, बार में किया जाता है, एटमोसफेयर में किया जाता है और सी एम ऑफ मर्करी में किया जाता है। ये सबको आप याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा यूनिट नहीं, या स्टेटमेंट में आ जाता है कि दीज आर द यूनिट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, तो उसमें वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अंडरस्टूड? अच्छे से याद रखना है इसको। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल, तार होता है, ज्यादा नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होते हैं, मेट्रिक, ऑस्मोटिक एंड प्रेशर पोटेंशियल पाया जाता है, सेम पाया जाता है प्लांट में, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा जो सॉइल है वो फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड है तो जीरो है, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब पानी का मूवमेंट होता है, जब पानी का मूवमेंट होता है, वन पॉइंट ऑफ रिफर टू द पॉइंट ऑफ डिजायर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि क्या होता है, जीरो ही होता है, ओके, वहां पे कोई साइन होता है, पॉजिटिव होता है, ओके, क्योंकि देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यू आर नॉट सप्लाइंग एनी एनर्जी, ओके, वो फ्री वाटर होता है तो फ्री में ही चला जाता है, जा भाई जा यहाँ से जा, तो जब वो चला जाएगा पानी तो क्या होगा, उसके बाद एक पानी जो रहेगा उसका हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ओके, जो कि मिट्टी के साथ जुड़ के रहेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये सारा हमारा सॉइल पार्टिकल से जो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है, पोर स्पेस में जो रहते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ओके। तो ये हो गया हमारा सॉइल मैट्रिक्स, ओके। तो जब मतलब जब ग्रेविटेशनल वाटर चला जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तब मतलब जब ये वाटर वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू द अनदर पॉइंट जाएगा, मूवमेंट करेगा, किसी एनर्जी चाहिए इसको, एनर्जी चाहिए मूवमेंट करने के लिए, एनर्जी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रिक पोटेंशियल, जहां पे
नेगेटिव साइन लगता है, मैंने बोला एनर्जी घटेगा तो नेगेटिव साइन लगेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसके दौरान होता है, जब सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट्स आ जाते हैं, ओके, सॉल्वेंट जो वाटर सॉल्वेंट है, जब किसी मिनरल न्यूट्रिएंट अगर हम डालते हैं तो वो सॉल्ट के जरा काम करता है, तो सॉल्ट डालते हैं तो एनर्जी क्या होता है कि डिक्रीज होता है। हम बताएं कि जब एक फैमिली में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ज्यादा एनर्जी खर्चा होता है, तो एनर्जी घटता है, ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि नेगेटिव ही होता है। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, अगर पानी डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, तो वहां पे हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही पाया जाता है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक सेल है, जब ये टॉर्जिड होगा तो प्रेशर पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है। किसी दौरान फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाए कि इसको अगर हम एक हाइपोटेंशन, अगर कुछ ही हाइपोटेंशन अगर हम डाल दिए सॉल्यूशन में तो क्या होगा, ये प्लाज्मलाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मलाइज, तब क्या होगा, प्रेशर नेगेटिव आ जाए। ओनली इन प्लांट देयर टू कंडीशन, वन पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, जो फुल्ली टर्जिड होगा, प्लाज्मलाइज कंडीशन में प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये दोनों आपको याद रखना है, नहीं तो मिट्टी का देखा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही पाया जाता है। अंडरस्टूड गाइस एवरीवन, समझ में आया वाटर पोटेंशियल? यस सर। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ, आई विल मेक इट क्लियर, नो डाउट, आई थिंक सब सो गए हैं, ठीक है, उठने के बाद पूछ लेंगे शायद, ओके। देन वी हैव टू रिमेम्बर सम कन्वर्जन फैक्टर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 35.314 फीट क्यू, ठीक है, 1 kL इज इक्वल टू 1100 लीटर, इसको आप याद रखने, 1 cu इज इक्वल टू हाउ मनी लीटर पर सेकेंड पूछा जाता है, 28.32, 1 cu ft इज इक्वल टू 28.32 लीटर, 1 tmc आपको याद रखना है, और आप याद रखना है 1 acre foot एंड 1 acre inch याद रखना है आपको, 1 bar आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया, मेनी टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 bar इज इक्वल टू 100 kPa, ये भी आपको याद रखना है, 1 mbar इज इक्वल टू 0.1 kPa, ये भी आपको याद रखना है। तो और कुछ कुछ आ जाते हैं, एफ, ओके, 1 MPa इज इक्वल टू 10 bar, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1 pf इज इक्वल टू 0.01 atmosphere, इसको भी आप याद रखना है। pf कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अभी पढ़ लेते हैं, इसको कौन दिया था, या इसको स्कोफील्ड ने दिया था। pf का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है pf का, नहीं मालूम, इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ फोर्स, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे सॉइल वाटर टेंशन देखा जाता है, सॉइल वाटर टेंशन देखा जाए, या सक्शन भी बोल सकते हैं इसको, सक्शन, सॉइल वाटर सक्शन या सॉइल वाटर टेंशन, मतलब एक वाटर कॉलम जो होता है वो जो डेप्थ बेसिस कितना वो फोर्स दे रहा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 1 pf अगर देखा जाए तो 10 cm का ऐसे होता है, 10 cm, ठीक है, 2 pf मतलब 20 cm ऐसे होता है, ठीक है, 3 pf होगा 30 cm ऐसे होता है। तो व्हाट इज द pf एट फील्ड कैपेसिटी 2.54, बहुत बार पूछा गया है, PWP में 4.2 पाया जाता है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में 6 पाया जाता है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट में 2.723 होता है, एंड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में 4.5 होता है। हम सारा का सारा वैल्यू दे दिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, इन पांचों में से दूसरा नहीं आएगा, आपको फील्ड कैपेसिटी पूछा जा सकता है, नहीं तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर हो गया तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में पूछा जाता है सवाल, ठीक है, समझ में आया, अंडरस्टूड और नॉट, जी जी जी।
तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, अब आज हम जो भी पढ़ाए कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। कभी भूलेंगे तो नहीं? अगर आप भूल गए तो गया हो, ओके। पर मुझे याद, मतलब मेरा जितना बिलीव है कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ओके। तो आपको फिर एक बार मतलब बताते समरी हो जाए, ओके। इन दिस क्लास वी डिस्कस इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि तीन बार होता है, मेजर, मीडियम, माइनर, ओके। मेजर का मोर देन 10,000, मीडियम का 2,000 to 10,000, माइनर का लेस देन 2,000 होता है। कैटेगरीज में वाटर हम छह क्लास में किए, ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर, फॉसिल वाटर, ग्रे, ब्लैक एंड वर्चुअल, ओके। एक बार हम मतलब स्लाइड शेयर करेंगे, ओके, पर हम कहाँ पे करेंगे हमको पता नहीं अभी तक, ओके। तो वो हम कर देंगे बाद में। देन आपको पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और जो पोरोसिटी, वॉल्यूम, वेटनेस, डिग्री सेचुरेशन, इस टेबल में, इस स्लाइड्स में हम सारा का सारा समझ में आया आपको? सबको समझ में आया ये स्लाइड्स? यस सर। बस आप ना ये चीज को आपको दिमाग में रखना है, मतलब वॉल्यूम एयर रहा, वाटर रहा, सॉलिड्स रहा, MA VA MW VW MS VS, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। देन हम डिस्कस किए व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वाटर, जो कि फीमेल मिट्टी और हमारा जो मेल वाटर है उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो लव रिलेशनशिप है कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में हम डिस्कस किए, ओके। सॉइल वाटर पोटेंशियल बारे में डिस्कस किए, सॉइल टेंशन के बारे में डिस्कस किए, एंड व्हाट आर द यूनिट्स आर प्रेजेंट वो भी हम डिस्कस किए। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल, मेट्रिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका जो साइन होता है वो भी हम डिस्कस किए, एंड एट द एंड वी डिस्कस द कन्वर्जन फैक्टर्स। अंडरस्टूड एवरीवन? So can we get numericals on this chapter? Numericals अभी तो numericals शुरू नहीं हुआ है, जो bulk density, particle density का जो आप बता रहे हैं वो उतना importance नहीं है, okay? तो अगर value दिया है आप calculate कर सकते हैं। अगर numericals आए तो जो last जो हम बताया ना conversion factor, उसका numericals आता है, मतलब conversion करके, तो उसका हम कुछ prepare करेंगे, okay? और जब हम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पढ़ेंगे वहां पे न्यूमेरिकल बहुत जाता है, ओके। तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल स्लाइड्स में होंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे 2-3 एट ए टाइम, आपको करना है तभी, ठीक है। और कुछ सवाल है आपका?